पूरे बरसाने में एक मेन मंदिर यही है, बाकी यहाँ से ना आप पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर टॉप पर अभी हम खड़े हुए हैं, पूरा बरसाना बहुत अच्छे से आप। ये भक्ति वेदांत मंदिर के जो अंदर आश्रम है, ये मैं उसी में रुका हुआ हूँ। यहाँ पर तबीयत बहुत ज्यादा खराब है अभी, कल भी मेरी मैंने पूरा मेडिसिन लेकर तभी पूरा वृंदावन एक्सप्लोर किया। आज भी अभी पहले नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद हम मेडिसिन लेंगे, फिर पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और ये कुछ आश्रम का रूम इस तरीके से, मेरे साथ में डॉक्टर साहब है बनारस से है, और ये मथुरा बिल्कुल अच्छे से जो गाइड वाइड कर सके, तो सर ने कल मुझे बहुत अच्छे से गाइड घुमाया, भाई को लाइक दो प्यार दो बिल्कुल। और अभी आप देख सकते हैं इतनी हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जो है ना रामघाट पे नहा लिया, मुझे कोल्ड हो रहा था, लेकिन मुझे वहां मतलब नहाने का मेरा बड़ा मन, लेकिन मैं नहा लिया, फिर उसके बाद जो मेरी तबीयत खराब होनी चालू हुई, मेडिसिन ले लेकर मुझे काम चलाना पड़ा। वृंदावन का मैं आज हमारा सेकंड डे है, और आज हम पूरा करेंगे बरसाना और गोवर्धन पर्वत एक्सप्लोर करेंगे। अपने आश्रम से जाएंगे सीधा प्रेम मंदिर से ही वहाँ बस वगैरह सब चलती है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा। प्रेम मंदिर देख रहे हैं, अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30। प्रेम मंदिर जो है ना दिन में रहता है बंद, यहाँ से बस का वेट कर रहे हैं, बस अगर टाइम पे आ जाए तो उसके बाद फिर यहाँ से सीधा बरसाना निकलेंगे। अभी हमने खाना वगैरह खाया है, मतलब गर्मी से तो बहुत ज्यादा गर्मी हालत है। ये चाट चौपाटी है, चाट चौपाटी में जो है ना बहुत सारे आपको फूड के अलग अलग तरीके के वो सब मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। बैटरी वाली बस जो है ना पूरे उत्तर प्रदेश में चलती है। पहली बार सवारी कर रहे हैं, अच्छा पहली बार में फर्स्ट टाइम वृंदावन में। यहाँ तक आने में कम से कम हमें 1.5 घंटे के आसपास लगा है ऑलमोस्ट, अभी बरसाने की गलियों में। दोस्तों बरसाने में एंटर हो चुके हैं, और ये हम कुछ राधा रानी के मंदिर के लिए तरफ आप ही जाएंगे। यहाँ से 4 बजे मंदिर खुलता है राधा रानी का, आधे घंटे का समय, इसलिए बरसाने में पूरा एक ही मंदिर है ना, ये इस तरह की पूरी 180 सीढ़ियां मंदिर तक पहुँचने के लिए। ये ऊंची अटारी कहते हैं, जो ये आपको दिख रहा है ना अब बाहर टाइप में, ये सब ऊंची अटारी बोलते हैं। 180 सीढ़ियां आराम से चढ़ चढ़ के पहुँच ही जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। ये राधा रानी मंदिर है बरसाने में, ब्रह्मा जी का पर्वत है ये, उस पर बनाया हुआ है ये मंदिर है। अभी आगे जाकर मंदिर अभी आगे ही उनका महल, अभी आपको सब दिखाएंगे धीरे धीरे। और यहाँ से कुछ पूरा बताना इस तरह से दिखता है। अच्छा यहाँ के मैंने ये चीज मैंने कवर की है, जितने भी पेड़ है ना नीचे से तो सूखे हुए हैं, ऊपर से एकदम हरे हरे मिलेंगे। ये जितना भी जगह देख रहे हैं ना ये पूरा बरसाना है। मैं अभी ना ब्रह्मा जी का अच्छा। पर्वत है, राधा रानी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, मैं अभी यहाँ खड़ा, अभी मंदिर 5 बजे ओपन होगा, तो प्रसाद दे लेकर अभी लाइन में अभी लगने के लिए जा रहे हैं। पूरे बरसाने में एक मेन मंदिर यही है, बाकी यहाँ से ना आप पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर टॉप पर अभी हम खड़े हुए हैं, पूरा बरसाना बहुत अच्छे से आप बराबर में, ये पूरा पहाड़ है। मेरे साथ में जो ना यहाँ से कुछ हरियाणा के जिंद के भक्त भी आए हुए हैं। पंडित जी कैसे हो आप, कुछ बताओगे मेरे बारे में? नरवाना का सबसे बड़ा तस्कर। राधा रानी के दर्शन भी हो गए, ये राधा रानी का मंदिर है पूरा, ये ब्रह्मा जी के पर्वत पर पूरा बना हुआ है, और इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में वहाँ राधा रानी का घर है, वहाँ कभी महल हुआ करता था। और ये पूरा यहाँ से महल अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ, ये पूरा यहाँ से बरसाना दिख रहा है आपको। एक्सप्लोर करनी चाहिए क्या नहीं? अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं हाँ, तो आप आके पहले मथुरा उतरोगे, मथुरा से आप सीधा पहले जन्मभूमि दर्शन कीजिए, जन्मभूमि
गंगा जी के दर्शन कीजिए वहाँ से फिर चार नंबर बस मिलेगी सीधा आपको वृंदावन छोड़ेगी तो आपको वृंदावन छोड़ते हैं वृंदावन में आप उतरेंगे सीधा अटला चुनी ठीक है अटला चुनी से ग्यारह हो जाएगा ग्यारह से 500 मीटर आगे कॉन्टेक्ट हो जाएगा ठीक है 500 मीटर आगे ठीक है और आपको निधिवन वगैरह जाना है तो वहाँ से ई रिक्शा करके 200 मिलेगा वो सीधा आपको निधिवन ले जाएगा निधिवन से 200 मीटर की दूरी पर है रंगनाथ मंदिर अच्छा सोने का खंभा है ठीक वहाँ दर्शन करके सीधा आप आइए फिर बस आने वाली बस पकड़िए ठीक है 7 नंबर ठीक वो सीधा आपको लाएगी गोवर्धन ठीक है उसमें गोवर्धन का 45 रुपये किराया है गोवर्धन आके आपको गिरिराज जी के प्रतिमा कीजिए ठीक है गिरिराज जी के दर्शन करके फिर आप दोबारा 7 नंबर बस पकड़िए उसमें सीधा आपको बरसाने ले आएगी गोवर्धन से बरसाने का है 35 रुपये बरसाने में आके राधा रानी है फिर राधा रानी के दर्शन कीजिए कीर्ति मंदिर है कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद आप और घूमना चाहते हैं तो पीली पोखर है पीली पोखर में क्या है राधा जी ने अपने हाथ धोते मेहंदी वाले अच्छा पीली पोखर है उसके आगे थोड़ा होता है दाऊद जी का मंदिर है नीचे फिर वहाँ से शाम को अपना 9 बजे तक बस मिलेंगे आपको बस पकड़िए सीधा फिर आप अपना बदलाव बनाना वृंदावन आना या रुकना है तो रुकिए नहीं तो फिर वहाँ से सीधा मथुरा की बस पकड़िए सीधा अपने घर ये सबसे आसान और बहुत ही कन्वीनियंट रास्ता था जो भैया ने पूरा मथुरा को एक बार में एक्सप्लोर करने में बता दिया दिन में पूरा मथुरा वृंदावन और आपका बरसाना गोवर्धन की परिक्रमा जो होती है वो पूरी 18 किलोमीटर की होती है 21 किलोमीटर पैदल लगाओगे तो 6 घंटे में लगेगी उधर चलना है उधर चलना अभी रात के टाइम में हम आए प्रेम मंदिर बरसाना वगैरह पूरा घूमने के बाद में और ये प्रेम मंदिर में इस तरीके का नज़ारा है जैसा अक्षरधाम मंदिर में होता है ना रात के टाइम में लेजर लाइट्स हो ऐसे भी यहाँ भी होता है।